हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों को आपका अपने क्लास टोटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि एक संख्या जो होगा से 100 से कम होगा और दूसरी संख्या जो होगा कुछ भी दे दे। ठीक है, जैसे बोले कि टाइप जो रहेगा एक संख्या, यदि एक संख्या संख्या 100 से कम हो और दूसरी संख्या कुछ भी हो। ठीक है, यदि एक संख्या 100 से कम हो और दूसरी संख्या कुछ भी हो। जैसे समझिएगा, हम लोग फर्स्ट नंबर एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे दे 94 है इंटू 432 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, समझना है, ये जो संख्या कम है 100 से कम दिया और एक संख्या क्या है कुछ भी ले सकते हैं, 400, 4000, 5000, जितना मन करे उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, हम समझने के लिए लिए इतना छोटा, तो कितना कम है 100 से, 6 कम। अब देखिए, सबसे पहले 6 कम है, ये जो संख्या दिए हुए रहेगा 100 से कम है, इसलिए 432 पे का करना है कि राइट साइड से 2 ठो 0 बैठा देना है। ठीक है, और फिर इसको गुना, जितना कम होगा उससे इसमें गुना कर देना है। ठीक है, इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, समझिएगा। और कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, 18 और एक कैरी के रूप में था 19, ये हो जाएगा कितना, 24 1 25। बस अब कुछ नहीं, इसमें से आप माइनस कर लीजिए, यानी 10 में से कितना माइनस कीजिएगा, 2 8, ये कितना हो जाएगा, 9 0, ये कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 5 जाएगा 6, ये आपको कितना बच जाएगा, 0, ये हो गया हम लोग का 4। इस तरह से आपका बन गया, ठीक है, 4 0 6 0 8। इसी तरह से अगला एक थोड़ा और आप समझिएगा, दे दे 96 है, 96 है और 312 है, समझना है। सेम उसी तरह से कितना कम दिया है, 4। अब देखिए, इस पे बोले थे कि कितना, इस पे तीन क्या करना है, इस पे 2 ठो 0 बैठा लेना है। ठीक है, 2 ठो 0 बैठा, क्रॉस इसको गुना कर लीजिए, क्रॉस जैसे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, जी भाई, 4 दूना 8, फिर गुना किए 4, फिर कितना हो जाएगा, 4 3 12, और माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस कीजिएगा, 10 में से कितना जाएगा, 8 2, ये कितना हो जाएगा, 5, फिर ले लीजिए यहाँ से ले लीजिए 9। ठीक है, फिर इसमें ले लीजिएगा तो कितना चलाएगा, 9, ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलाया होगा हम लोग का। इसी तरह से देखिए आगे, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, इस तरह से आपको दे दे 95, इस तरह से लिखते हैं 418 का 95%, इस तरह से निकालने के लिए दे दे, कुछ नहीं, सेम उसी तरह से हम लोग के बना लेना है। देखिए 418 है, 418 का क्या करना है, 2 ठो 0 ले लीजिए। ठीक है, कितना कम है, 5 कम है, अब इसमें इससे गुना कर लेना है। ठीक है, जब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, ठीक है, 5 4 9 20 24 20। अब इसमें से क्या कीजिए, आप माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 1 7 9 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ परसेंटेज था, अब जब परसेंटेज था तो कितने अंक के बाद, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं तो 2 अंक के बाद क्या करिएगा, पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का क्या हुआ, बन गया रहा आसानी से। अब देखिए इसी टाइप से जो हम लोग को कभी कभी जैसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, क्वेश्चन इसी को लैंग्वेज में पूछ देगा, तो लैंग्वेज में जब पूछेगा तो इसको जब बनाने के लिए हम लोग को होगा तब कैसे, इसी को लैंग्वेज में दे दे, कोई भी हर जगह दे सकता है, ये समझ गए होंगे आप लोग अच्छा से। अगला जो हम लोग लेंगे एक ठो क्वेश्चन इसी टाइप पे बना लेंगे तो अच्छा से सेट कर जाएगा, जो एग्ज़ाम में हमें से पूछते रहता है, एकदम शॉर्टकट तरीका से इसको आप बना लीजिएगा बहुत आसानी से। जैसे आपसे एक ठो क्वेश्चन दे दे कि एक विक्रेता 840 रुपया में एक घड़ी
एक घड़ी को खरीद कर 6% की हानि पर बेच देता है, हानि पर बेच देता है तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं, जो हम लोग उसी तरह से बनाते थे। यहाँ देखिए, हानि पर बेचा है, कितना के हानि के पर बेचा है, तो 6% के हानि, यानी कि 100 में से हम लोग उसको माइनस कर लेंगे 6, तो कितना चलेगा, कितना परसेंट, 94%। और 94% कितना का, यही दे दिया है हम लोग के, कितना, 840। बस उसी तरह से बना लेना है, कितना कम है तो 6 कम है। ठीक है, इस पर कितना दे, 2 0 दे दीजिए। अब इसको कर लीजिए, कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 2 0 दे लिए हम लोग। अब 2 0 लिए था, कितना हम लोग का करना है इसमें, अब सिर्फ गुना कर लेना है। ठीक है, पहले से 1 0 था इसलिए 2 0 लिए थे, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना चलेगा हम लोग के, 0, 6 4 के कितना हो गया, 24। ठीक है, 48 2 50। अब माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा, 0 6 9 8 7। ठीक है, अब पॉइंट जो हम लोग के हो जाएगा, कितना अंक के बाद दे देंगे, यहाँ प्रतिशत था इसलिए पॉइंट था, इसलिए कितना अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर इस तरह तरीका से भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन था लैंग्वेज में दे देगा, इसी तरह से हम लोग के क्या हुआ, टाइप जो हुआ कि संख्या जो 100 से कम होगा और एक संख्या कुछ भी दे दे। आप कोई भी संख्या लेके इस पे पूरा प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह ये आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा, प्रयोग करना है, बनाना है। ठीक है, इसी टाइप से मिले, आप इस टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं।